बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है और यह निरंतर बहता रहता है। लेकिन अगर आपको चोट लग जाए, कट फट जाए, तो ये रक्त बाहर निकलने लगता है, जो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है और ये रक्त हमारे शरीर में नलियों के द्वारा बहता है। चलिए बच्चों, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रक्त का बहाव किस तरफ होता है। क्या ये हृदय से अंगों की तरफ होता है या अंगों से हृदय की तरफ? बच्चों, रक्त की नलियों को देखने के लिए आपको हाथ को कोहनी से ऊपर बांधना है और मुट्ठी को बंद करके रखना है। अब हाथ को 3-4 बार हिलाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रक्त की नलियाँ आपको दिखाई दे रही है। अब हम अंगुली की सहायता से इन नलियों पर दबाव बनाते हैं और एक अंगुली को पंजे की तरफ ले जाएंगे और एक अंगुली को हम कोहनी की तरफ ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बीच में जो नली हरे रंग की दिखाई दे रही थी, इसका रंग गायब हो गया है। अब धीरे से हम पंजे की तरफ की अंगुलियों को छोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि रक्त इन नलियों में फिर से भर गया। इसी प्रकार से हम इस क्रियाकलाप को फिर से दोहराते हैं, फिर से दबाव बनाते हुए अंगुली को पंजे की तरफ ले जाते हैं और धीरे से इसको छोड़ते हैं। हम देखेंगे कि रक्त इन नलियों में फिर से भर गया। इसका मतलब रक्त का बहाव पंजे से हृदय की तरफ हो रहा है और इसको शिरा नाम दिया गया। शिराएं रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में धमनियां भी पाई जाती है, जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। बच्चों, हमारे शरीर में हरे रंग की नलियां दिखाई देती हैं, इसे हम शिराएं कहते हैं। वास्तव में इसका रंग हरा नहीं होता है। इसमें सुर्ख लाल रंग का रक्त नहीं बल्कि गाढ़े रंग का रक्त बहता है, जिसके कारण इसका रंग हमें हरा दिखाई देता है। चलिए बच्चों, हमारे शरीर में शिराओं के साथ साथ धमनियाँ भी पाई जाती हैं, उन्हें भी हम महसूस करने का प्रयास करते हैं। आप अपने हाथ की कलाई पर अंगुलियों को रखिए। यहाँ पर आपको धड़कन महसूस होगी। इसका मतलब ये है कि जब रक्त हमारे हृदय से अंगों की तरफ बहता है, तब ये धड़कन हमें सुनाई देती है। हम इस तरीके से हमारी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। इसे हम नाड़ी कहते हैं।